गुरुजी, अभी आपने बताया फूलों का शिवलिंग बना के पूजन करना चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उसका फूल का शिवलिंग कैसे बनेगा? बहुत सुंदर बनते जी हमारे जीवन का अनुभव। जी देखिए, आप लोग बड़े गौर से सुने तो एक अपने जीवन का अनुभव बता दें। हमारे पिताजी के गुरुदेव भगवान शंकर के ऐसे प्रचंड सेवक थे, नर्मदा किनारे घोर तपस्या करते थे। वो घड़ी बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजे आदमी मर जाएगा। वैसे ही होता, शिव जी की कृपा थी। ये बेलखेड़ा के पास मेरे गांव करके गांव वहाँ के थे, जी जान के। हमारे पिताजी के गुरुदेव थे। हमारे घर आते जाते थे, कथा भागवत होती थी, तो हमारी कुंडली दिखाई तो हमारे पिताजी का नाम श्री प्रेम शंकर दुबे जी था। बिल्कुल सच्ची घटना, अपने जीवन की घटना। हमारे पिताजी के गुरुदेव बोले, ऐसा बोलते थे, भैया हो प्रेम शंकर? बोले जी दद्दा। बोले ये लड़का हमारे बारे में, ये लड़का तो भूखा सोएगा। भूखा कौन सोता है? जो दुनिया में महान दरिद्री होता है। हम सुन रहे थे तो हमने कहा, दद्दा हम कुछ बोले? पिताजी ने बड़ी बड़ी आंख दिखाई, गुरु जी ये कुछ क्या बोल दे, बच्चा तो बच्चा। बोले इसकी कुंडली तो खराब है, तो गरीब रहेगा। तो हमने कहा, दद्दा रामायण में एक चौपाई लिखी। बोलने में हम टंच थे, हमें छोटे में लोग वकील कहते थे, बातचीत में हम चतुर थे, बच्चे थे, तो लोग हमें वकील कह के चढ़ाते थे, वकील वकील कहते। तो पिताजी ने फिर रोका, बोले नहीं नहीं बोलने दो, क्या बोल रहे? हमने कहा, दद्दा रामायण में एक चौपाई लिखी। बोले बताओ। जो तप कर ही कुमार कुमारी तो भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। अगर बालक बालिका बचपन से भगवान शंकर की तपस्या करें तो भावी यानी भविष्य की घटना को भगवान शंकर मेट देते, बदल देते। अब उसके बाद जब ये बात हुई तो वो बोले, भैया ये बातचीत तो बड़ी अच्छी करता, क्या करता है? हमारे पिताजी बोले, सवेरे 4 बजे उठता है, घर में गाय भैंस, किसान आदमी थे पिताजी, गैया लगाता है, अपनी लुंगी बनियान गमछा लेके नदी किनारे चला जाता है, जिसको यहाँ भिमोरा कहते। बोले बामी की मिट्टी खोदता है, शिवलिंग बनाता है, उनके सामने रोता रहता, शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो। ना पढ़ता है ढंग से, ना स्कूल जाता है, और बिना पढ़े 10-15 दिन पढ़ के फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि भैया फिर हमारी ज्योतिष और हमारा फलादेश गलत, अगर ये भगवान शंकर की शरण में है तो कुछ भी हो सकता है। और आज बड़े आदमी तो नहीं है पर दाल रोटी चलती है, ठीक है, जो भी, मतलब आज के समय में हमें कहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र सुखी संपन्न व्यक्ति हैं। अरे जब हम हजारों को करोड़पति बना चुके तो हमारी तो बात अलग, दाल रोटी चल ही रही। ये भगवान की कृपा, भगवान शंकर की तपस्या का फल। बोले तुम बराबर शिवलिंग बनाओ, तुम्हारे ग्रहों का अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। और हमारी कुंडली देखकर जब जब ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तो ऐसा होगा, तुम्हारे जीवन में तो वैसा होगा, अब तो पेट का परेशान होगा, अब तो फलाना होगा, हमने कहा जो होगा भोलेनाथ का होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, राधे राधे, अपने पूजन में लगे रहे। तो हमारे जीवन के अनुभव, कितने प्रकार के शिवलिंग हमने अपने जीवन में बनाए, हमको खुद पता नहीं, खुद पता नहीं। और जो कहा, जो चाहा, जो मांगा वो उनने दिया, ये उनका एहसान है डमरू वालों का। तो फूल की जलहरी बना लो, ऐसे फूल की जलहरी बना लो, फिर ऊपर फूल सजाकर ऐसी आकृति बना लो, उनको जल से पंचामृत से जैसे चाहे वैसे अभिषेक कर लो, कुछ महीने करके देख लो। जिन जिन को प्लाट प्लाट खरीदना है, बड़ी जमीन अमीन खरीदना है, तो वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो बड़ी बड़ी जमीन, बड़े बड़े मकान, हमारे जीवन के अनुभव, हम बिना अनुभव की बात नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से मालूम।
इतने लोग बैठे हैं, 100 लोगों की कुंडली देखेंगे, 99 सही निकली तो लोग ताली बजाएंगे, और एक गलत निकली तो लोग कहेंगे ज्ञान नहीं है पंडित जी। बड़ी विचित्र दुनिया, किसी का कुछ भी भला करो आदमी कह देता। तो इसलिए आंख बंद करके आप उनको बढ़िया सजा के, इतने छोटे शिवलिंग बनेंगे उनको बना लो। अब अगर ऐसे नहीं बनता, मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, मिट्टी के शिवलिंग में फूल चिपका दो, शिवलिंग में फूल चिपका दो। अब हम लोग सब ऐसे खुरापाती जीव हैं, हमारे साथ हमारा चेला रहता, वो बड़ा शार्प शूटर है, बचपन से हमारे साथ रहता है, राकेश विश्वकर्मा। उसने करेले के शिवलिंग बना ली, करेले की जलहरी, करेले के शिवलिंग, इतने करेले फले कि पूरे मोहल्ले भर को बांट रहा फ्री में। लौकी काट के एक छोटी लौकी रखी, शिवलिंग बना दिया लौकी की जलहरी, ये बड़ी बड़ी लौकी एक पूरा परिवार ना खा पाए। ये तो हम लोग ये सब टेस्ट करते रहते हैं कि ये बात सही है कि गलत। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, कोई इतने के बीच में कोई किसान है तो हाथ उठाए, हैं कोई? चलो इतने लोग, अब हमारी बात को आजमाना। आपने खेत में गेहूं लगाया, गेहूं बोया, उसके बाद मिट्टी के शिवलिंग बनाए, शिवलिंग में गेहूं चिपका दें और शिवलिंग का विधिवत पूजन अभिषेक करते रहें, फिर विसर्जन कर दें, हर सोमवार करें, उस साल आप इतनी फसल पाओगे, इतनी फसल पाओगे कि आप जिंदगी भर हमें गुरु मानने के लिए हमारे घर आओगे। बिल्कुल आजमाइएगा। तो शिवलिंग बनते हैं और उनकी पूजन होती है, करना पड़ेगा, कैसे करना है वो आप देखो। क्या आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। लक्ष्मी जी का चमत्कारी दरबार 5 और 6 अक्टूबर 2024 को कार्यस्थल कलाम कोटी गोबरा नवापारा राजिम रायपुर रोड छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। धन्यवाद।